अब हमने एक फोल्डर बना लिया है हेलो वर्ल्ड जावास्क्रिप्ट के नाम से। इसमें मैं क्या बना लेता हूँ, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, और यहाँ पे मैं एक बेसिक एचटीएमएल लिख देता हूँ, क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो होती है ना उसको चलाने के कितने तरीके होते हैं हमारे पास, दो तरीके हैं। जावास्क्रिप्ट असल में दो जावास्क्रिप्ट है, सही है। एक जावास्क्रिप्ट कहलाती है एएमडी, जो किस पे चलती है, ब्राउज़र पे चलती है, गूगल क्रोम वगैरह इस ब्राउज़र पे, इसके बगैर नहीं चलती वो, ठीक है। और एक जावास्क्रिप्ट होती है कॉमन जेएस, जो टर्मिनल पे चलती है, ब्राउज़र की ज़रूरत नहीं होती उसको, ठीक है। मतलब ब्राउज़र पे चली नहीं सकती, वो टर्मिनल पे ही चलती है। तो दो तरह की जावास्क्रिप्ट है। अब ये इसकी स्टोरी क्या है, ये कैसे हो गया, दो जावास्क्रिप्ट कैसे बन गई जी, वो कॉमन जेएस है। नहीं, नॉट जी एस असल में इंजन है। नॉट, देखो जैसे गाड़ी होती है ना, एक एक गाड़ी होती है मोटरसाइकिल, एक गाड़ी होती है कार। तो कार के अंदर जो इंजन लगा हुआ होता है उसको कार तो नहीं बोलते ना, तो उसको इंजन बोलते हैं। और जब कार कह रहा हूँ इसका मतलब है इंजन और प्लस पूरी बॉडी मिला के कार होती है, ठीक है। तो नॉर्ड जेएस जो है वो इंजन है, ठीक है, और कॉमन जेएस जो है वो लैंग्वेज का नाम है जो उस पर चलती है, ठीक है। नॉर्ड जेएस इंस्टॉल हो जाता है मशीन के अंदर, आपको नज़र नहीं आता, चलती भी तो आपको जावास्क्रिप्ट नज़र आएगी ना, तो उस जावास्क्रिप्ट का नाम कॉमन जेएस है। और वो अच्छा, अगर आपको ये नॉर्मल वाली जावास्क्रिप्ट लिखनी है जो एएमडी कहलाती है, अगर आपके पास गूगल क्रोम का ब्राउज़र नहीं है तो आप इस जावास्क्रिप्ट को रन नहीं कर सकते, ठीक है। आप कैसे रन करेंगे, जैसे आपके पास गाड़ी है लेकिन रोड नहीं है तो आप उसको नहीं चला सकते। तो ये वाला चक्कर है कि गाड़ी है उसमें इंजन नहीं है तो वो चलेगा ही नहीं, गाड़ी खड़ी रहेगी। तो ये वाली जो जावास्क्रिप्ट है इसका जो इंजन है वो गूगल क्रोम है या मोज़िला फायरफॉक्स, कोई भी एएमडी जो ब्राउज़र पर चलने वाली जावास्क्रिप्ट है। जो दूसरी जावास्क्रिप्ट है जो टर्मिनल पर चल, टर्मिनल में आसान लफ्ज़ों में बोल रहा हूँ, असल में वो नॉट जेएस पर चलती है, तो उसको चलने के लिए नॉट जी एस चाहिए। किसी मशीन में अगर नॉट जी एस इंस्टॉल नहीं है तो उसमें वो जावास्क्रिप्ट नहीं चल सकती, ब्राउज़र पे नहीं चल सकती वो, उसको नॉट जी एस ही चाहिए चलने के लिए, ठीक है। तो उसका जो रोड है या उसका जो इंजन है वो जावास्क्रिप्ट है। शायद इतनी अच्छी एग्जांपल नहीं थी लेकिन बात समझ आ गई होगी, सही है। तो हम दोनों पढ़ेंगे, हमें दोनों पढ़नी होगी। अच्छा, लेकिन पहले इसकी स्टोरी सुनते हैं कि ये चक्कर हुआ क्या जी। मैं वही स्टोरी समझा रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा ये। अच्छा, तो सब में पहले जब शुरू शुरू वेबसाइट बनना शुरू हुई, ये हम एक दफ़ा स्टोरी सुन चुके हैं मार्कअप जब हमने पढ़ा था, तो कि भाई पहले पहले कंप्यूटर होता था उसमें ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन होती थी, इंटरनेट का कोई तसव्वुर नहीं था। फिर इंटरनेट के कनेक्शन आए, कंप्यूटर आपस में जुड़ गए, तो इन्होंने बोला यार जो पंपलेट छापते थे वो हम इस पर स्क्रीन पर कर देते हैं, कि बंदा मैं किसी कंप्यूटर का एड्रेस लिखूं और उस कंप्यूटर से उठ के वो पर्चा मेरे स्क्रीन पर आ जाए, मैं उस पर्चे को देखूं सिर्फ। तो ये तो हो गया वेब 1.0, यहाँ तक हो गया। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने बोला यार इसके ऊपर ना कुछ, अब जाहिर है कंप्यूटर है उस पर कुछ एनिमेशन हो, कुछ हो, कोई जगमग तारा हो, क्योंकि पेपर पे तो सिर्फ स्टेटिक इंक होता है ना, इंक लग गया हो गया। उन्होंने सोचा यार कुछ जगमग तारा हो, कुछ क्लिक करें तो कुछ हो, कुछ क्योंकि माउस आ गया बाद में, शुरू में जब कंप्यूटर आए थे तो माउस नहीं होते थे उसमें, तो जब माउस आ गया ना कंप्यूटर के साथ, तो उन्होंने बोला यार इस पर जब माउस लेके जाए तो कुछ ये हिले जुले, कुछ एनिमेट करे, ठीक है। जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो टेक्स्ट सीधा लिखा हुआ नहीं है, नीचे पट्टी चल रही हो स्क्रीन पर जैसे टीवी पे चलती है, तो पट्टी चलने से ही होगा, ज़्यादा डेटा डिस्प्ले करवा सकता हूँ। तो इस तरह की कुछ चीज़ें लोगों के जहन में आइडियाज़ आए, यार ये भी तो हो सकता है इसमें, इसमें एक वीडियो चलती हुई भी तो हो सकती है, एक इसमें पिक्चर लगा दूँ मैं, पिक्चर क्या हो वो बहुत मूव हो, आहिस्ता आहिस्ता मूव हो गया, ऐसा लगे बंदा चल के जा रहा हो, इस तरह की चीज़ें उसमें हो सकती हैं। तो उन्होंने कहा यार ये करवाते हैं। अच्छा, है अभी भी ये वेब 1.0, अभी 2 नहीं हुई है, अभी 2 होगी जब डेटाबेस इन्वॉल्व होगा, कि साइन अप होगा जब 2 होगा, अभी 1 आई, तो ये वेब 1 ही चल रहा है अभी तक जो हम अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी हम 2 में दाखिल होंगे इंशाल्लाह बहुत जल्दी, और 3 में भी दाखिल होंगे बहुत जल्दी, क्योंकि चैटबॉट असल में वेब 3.0 का पार्ट है, ठीक है। वेब 3, वैसे तो वेब 3.0 अभी तक आई नहीं है दुनिया में, मार्केट में अभी वेब 3.0 का जो रेवोल्यूशन है वो आया नहीं है, या काइंड ऑफ आ रहा है। रेवोल्यूशन जब पता चलता है आपको, जब वो आके चला जाता है, ठीक है। जैसे फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो क्या है, वो
थर्ड तक का तो पता है हमें, थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या था? इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हो, केस स्टडीज तो पढ़ाई होंगी ना यूनिवर्सिटी में इतने सारे लोग हो। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं पता तुम लोगों को? एक स्टीम इंजन था, और कौन सा था वो स्टीम इंजन वाला? सेकंड था। फर्स्ट कौन सा था? और जाके गूगल पे लिखोगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है, स्पेलिंग मैंने आगे पीछे किए कुछ, ठीक है, ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का पेज आ गया। अबे लिस्ट तो इसमें बताई नहीं है इन्होंने, लिस्ट लिख देता हूँ साथ में। ये आ गई लिस्ट। फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1765 में आया था, सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1870 में आया था, और थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1969 में आया था। सेकंड वाला तो था स्टीम इंजन, थर्ड वाला क्या था? चले जाते हैं लिंक के अंदर, देखते हैं क्या बता रहे हैं ये। ये है थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इसके बारे में ये क्या कहते हैं? Another century pass, we bear witness the third industrial revolution in second half of 20th century, यानी दरमियान में, ठीक है। The third revolution brought forth rise of electronics, telecommunication and of course computers. The third industrial revolution opened the door to space expedition, research, biotechnology through new technologies. ये सारी चीज़ें जो है ना, इसको थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन माना जाता है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि इसके अंदर कंप्यूटर, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल है, तो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट को बाकायदा ये पढ़ाया जाता है कोर्स में, ठीक है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी ने आपको ये नहीं पढ़ाया तो इसका मतलब है उन्होंने आपका टाइम वेस्ट किया, क्योंकि ये बेस है। जब तक ये कहानी समझ में नहीं आएगी तो पढ़ोगे क्या फिर आगे? अच्छा, लेकिन अब आप नोट करें, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ना, इसमें देखें सन नहीं लिखा हुआ कि कौन से सन में आया, क्योंकि शायद ये अभी आ रहा है या आने वाला है, आया नहीं है अभी तक। क्या कह रहे हो? आया नहीं है अभी तक, ठीक है। लेकिन आप अभी गूगल पे सर्च करेंगे ना फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो हर किसी का अपना अपना ख्याल है। कुछ किसी के ख्याल में 5G फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, देखो इन्होंने यहाँ लिखा होगा ये, ठीक है। फॉर मैनी पीपल इंडस्ट्री 4.0 although a large portion of people still disagree, कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये जो आगे मैं बात बोलने जा रहा हूँ ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, लेकिन बहुत सारे लोग डिसअग्री भी करते हैं कि नहीं यार अभी आया नहीं है, अभी ये कुछ और है, ठीक है। इफ़ वी वर डू वी फोर, अभी इसने टेक्नोलॉजीज़ का नाम नहीं जिक्र किया यहाँ पर, स्टार्टेड इन द डॉन ऑफ थर्ड मिलीनियम, कह रहे हैं कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ना कुछ लोगों के ख्याल में कब स्टार्ट हुआ है? थर्ड मिलीनियम में स्टार्ट हो गया है, विद द वन थिंग एवरी वन यूजेज एवरी डे द इंटरनेट, कह रहे हैं कि इंटरनेट जो है ना वो क्या है, वो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का पार्ट है कुछ लोगों के ख्याल में। शुरू में ही डिस्क्लेमर दे दिया कि बहुत सारे लोग डिसअग्री करते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी इसने वो चीज़ें नहीं लिखी यहाँ पे, कुछ लोगों का ख्याल है कि माइक्रो ये फाइबर ऑप्टिक जो है ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, फाइबर ऑप्टिक की केबल जो है। कुछ लोगों का ख्याल है कि 5G फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, कुछ लोगों का ख्याल है कि रोबोटिक्स फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, लेकिन वो तो जब पता चलेगा आज से 100 साल बाद, जब ये आके जा चुका होगा, अभी नहीं पता। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास जो हम अभी तक हमने देखी हैं चीज़ें, वो क्या है? वो वेब 1.0 है, उसमें सिर्फ दिखता है, देख सकता है बंदा उसको, कुछ इंटरेक्शन नहीं कर सकता, डेटा इनपुट अपना नहीं दे सकता, ठीक है। तो डेटाबेस जैसे ही इन्वॉल्व होगा क्या हो जाएगा? वो वेब 2.0 हो जाएगा, जिसमें यूज़र भी अपना डेटा दे सकता है, ठीक है। तो वेब 2.0 ये रेवोल्यूशन तो नहीं है, लेकिन वेब 2.0 कह सकते हैं आप इसको, ये रेवोल्यूशन ही है काइंड ऑफ। 3.0 जो है ऑन अदर हैंड, वो अभी किसी को पता नहीं है कि क्या है। कुछ लोगों का ख्याल है कि मेटावर्स वेब 3.0 है,
कुछ लोगों का ख्याल है कि क्रिप्टो करेंसी है वेब 3.0, कि हर जगह क्रिप्टो करेंसी हो जाएगा, ब्लॉकचेन पे आ जाएगी हर चीज़, ठीक है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह। कुछ लोगों का ख्याल है ये 3.0, कुछ लोगों का ख्याल है कि वॉइस कंप्यूटिंग वेब 3.0 है, जो चीज़ें हम अभी स्क्रीन पे करते हैं वो सब बोल के करते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग डिसएग्री भी करते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं यार ब्लॉकचेन ये NFTs जो है ये बेवकूफ़ी की बात है, इंतहाई बेवकूफ़ी की जो बात हुई है ना इस पूरी सेंचुरी में वो NFTs है। कुछ लोगों का ये भी ख्याल है, NFT भी उसी से रिलेटेड है, ब्लॉकचेन से रिलेटेड है। तो कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि इंतहाई बेवकूफ़ी की अगर कोई हरकत हुई है ना इस पूरी टेक्नोलॉजी की एरा में पिछले 20-25 सालों में, तो वो ये NFTs हैं। उनके अपने अपनी उनकी दलीलें हैं, अपने उनके एविडेंसेस हैं, वो ओपिनियन है उनका अपना, ठीक है। कुछ लोगों का ख्याल है कि नहीं यार ब्लॉकचेन जो है वो ऐसा रेवोल्यूशन है जो इंटरनेट को पूरा का पूरा चेंज करके रख देगा और यही होने वाला है 3.0। अच्छा, मैं किन लोगों में से हूँ? मैं ये समझता हूँ कि ब्लॉकचेन, मेटावर्स और वॉइस कंप्यूटिंग या चैटबॉट दोनों एक ही बात है असल में, इन तीनों का मिक्सचर होगा वेब 3.0, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, क्या होगा? अभी जो आप यूट्यूब देखते हैं, आपकी स्क्रीन पे चल रहा होता है यूट्यूब सामने, फिर ऐसा नहीं होगा। फिर ऐसा होगा कि आप एक VR का हेडसेट लगाएंगे मोस्ट प्रोबेबली, और आप ना एक अलग दुनिया में आ जाएंगे। जाहिर है आपको तो उसमें VR दिख रहा है ना अंदर, आप एक अलग दुनिया में आ गए। अब अलग दुनिया में क्या होगा? मोस्ट प्रोबेबली कोई सिनेमा का माहौल होगा, जैसे वो मूवी देखी है न्यूयॉर्क का माहौल, इंडियन जो डबिंग करता है ना बड़ी बेवकूफ़ी की डबिंग करता है, एक कोई मूवी है अम्ब्रेला कॉरपोरेशन वाली, क्या नाम है उसका, रेजिडेंट ईवल, उसकी उर्दू डब में देख रहा था किसी दिन, तो वो उसमें वो कंप्यूटर कंट्रोल्ड वर्ल्ड होता है पूरा, ब्रेन के अंदर सिमुलेशन हो रही होती है, सिमुलेशन वर्ल्ड है वो, कहते हैं ना न्यूयॉर्क का माहौल। तो ऐसे ही आप जैसे ही VR सेट लगाएंगे तो शायद वो न्यूयॉर्क के माहौल में दाखिल हो जाए आप, या कोई सिनेमा का माहौल होगा, सामने बड़ी सी स्क्रीन होगी, उस पर यूट्यूब की वीडियो चल रही होगी मे बी, और जो व्यूअर्स होते हैं इसमें जब प्रीमियम होता है दिखता है ना कि 300 पीपल व्यू वॉचिंग राइट नाउ, वो आपके इर्द गिर्द सारे आपको खड़े हुए अवाटार्स नज़र आएंगे, आप भी उनमें से एक होंगे मे बी, इस तरह का कुछ होगा मुझे लगता है, मैं मानता हूँ ऐसा कि ये होने वाला है वेब 3.0। अच्छा, उसके बाद अब जो कॉमेंट्स करते हैं, कॉमेंट्स जो हम करते हैं वो हर बंदे के ना सर के ऊपर ऐसे बलून आ रहा होगा मे बी, उस पर लिखा हुआ होगा शायद, या आप किसी बंदे के पास जाएंगे तो उसने जो कमेंट किया उसका अवतार वो बोलेगा, आपको आवाज़ आएगी मे बी, इस तरह का कुछ होने वाला है। और जो लाइक करते हैं आप वीडियोस को, जो लाइक करते हैं वो आप शायद कोई जेस्चर होगा कि अंदर बंदा वाह 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 ऐसे कर रहा होगा, लाइक इस तरह शायद कर रहे होंगे, इस तरह का कुछ होने वाला है मुझे लगता है ऐसा, ठीक है। Nobody knows for sure, ठीक है, predictions ही हैं, लोगों की राय है। अच्छा, और क्या होगा उसके अंदर कि जितनी भी videos होंगी जो YouTube पे already uploaded हैं वो सारी NFT की सूरत में होगी, blockchain से कहीं ना कहीं connected होगी, तो जो copyright के issues वगैरह हैं वो by default हर website एक NFT होगी, ताकि कोई एक दूसरे को अगर copy करे तो network के ऊपर फ़ौरन पता चल जाए, ठीक है। इस तरह पायरेसी वगैरह जो ये चीज़ें ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन इसके ख़त्म होने से नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा होगा कि आप भी अगर कोई वेबसाइट बनाते हैं ना या कोई छोटा सा कंटेंट बनाते हैं तो वो 10 जगह कॉपी हो जाता है, तो आपको उसका फ़ायदा नहीं होता, तो आपको ज़ाहिर है इंटरनेट पे ये जो फिर पायरेटेड चीज़ें चलती हैं बंद हो जाएंगी, तो ज़ाहिर आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन आप यू विल ऑल्सो गेट पेड। अभी आपको यूट्यूब की वीडियोज़ देखने का कोई पैसा नहीं मिलता, उस वक्त शायद आपको यूट्यूब की वीडियोज़ देखने का भी पैसा मिले, ठीक है। तो ये टू वे है कि मतलब अभी तो ये होता है ना, आप YouTube की वीडियोस देखते हैं क्रिएटर को फ़ायदा होता है, लेकिन क्रिएटर की भी वो वीडियो कॉपी कर देता है कोई और थोड़ी सी चेंजेस करके। अच्छा, NFT के अंदर ये मसला है कि अगर आपने एक पिक्सल भी चेंज किया ना तो NFT का हैश चेंज हो जाता है, NFT का हैश जो चेंज हो जाता है तो फ़ायदा नहीं होता NFT का। फ़िलहाल NFT बेवकूफ़ी की बात है, इंतहाई बेवकूफ़ी की बात जो हुई है ना NFT है वो, कि आपके पास एक पिक्चर है वो है, उसका क्या है NFT क्या है, उसका हैश कैलकुलेट हुआ है उस JPG इमेज का, अब उसमें एक पिक्सल भी चेंज करूँगा तो हैश तो चेंज हो जाएगा ना, अगर हैश का किसी को पता है यहाँ पे, तो क्रिप्टोग्राफी की एक टर्म होती है हैशिंग,
कि उसका एक हैश कैलकुलेट हो जाता है कि ये क्या है वेरिफिकेशन के लिए। मैं एक भी पिक्सल चेंज करूँगा, हैश चेंज हो गया, वो एक नई NFT बन गई मेरी, लेकिन चीज़ तो वही है अंदर, तो मकसद तो फौत हो गया। तो अभी फ़िलहाल NFT जो है वो इंतहाई बेवकूफ़ी की बात है, ख़ासतौर पर पिक्चर्स वगैरह में और वीडियोज़ वगैरह में, लेकिन वो चेंज हो जाएगा, कोई ना कोई किसी आइडिया के साथ आएगा तो वो इम्प्रूव हो जाएगा। ये ऐसी कोई बात नहीं है कि मतलब अभी अगर प्रॉब्लम है तो वो हमेशा ही रहेगी, सॉल्व हो जाती है प्रॉब्लम्स। ठीक है, बिटकॉइन के साथ इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी, क्रिप्टो करेंसी के साथ अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, दे गोना सॉल्व एवरी प्रॉब्लम। लोग लगे हुए पूरा दिन पूरी रात लगा रहे हैं। ठीक है, तो आप कहाँ बैठे हुए? वेब 3.0 में एक सैनमा में बैठे हुए, आपके इर्द गिर्द सैनमा का माहौल है, सराउंड में आपके पास ऑडियो चल रहा है, सामने वीडियो चल रही है। ठीक है, और अब आपको वीडियो चेंज करनी है, वीडियो देख ली ना अब आपने, ये दूसरी लगानी है, नहीं वो उतनी दूर है स्क्रीन, वॉइस। ठीक है, आप कंप्यूटर से बात करेंगे, बोलेंगे बस ये हो गया दूसरा लगाओ, या आप बोलेंगे कि मुझे चिमकी मिंकी दिखाओ। मुझे नहीं पता चिमकी मिंकी उस वक्त लोग देखते होंगे या नहीं, वेल कुछ भी। अच्छा, अभी वॉइस के अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि आप उसको कुछ बोलें और कंप्यूटर समझ सके, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली उस वक्त तक होगी, जिस तरह से इम्प्रूवमेंट हो रही है ना उस वक्त तक होगी, कि आप नेचुरल लैंग्वेज में उर्दू में आप बोलेंगे कि यार मुझे फला वीडियो दिखाओ। अभी आप जब जाते हैं यूट्यूब पे क्या लिख के सर्च करते हैं? अच्छा, सर्च ही नहीं करते पहली बार, खुद ही सामने आती है वीडियो, खुद ही आती है ना वीडियो सामने, तो खुद ही आएगी इस तरह सामने। और अगर आपको कुछ देखनी है कोई ख़ास चीज़, मिसाल के तौर पे मुझे ये देखना है कि SpaceX का जो रॉकेट लॉन्च हुआ था अभी आखिरी कौन सा लॉन्च हुआ है, उसकी वो हर की फुटेज बना के डालते हैं यूट्यूब पे, लॉन्च की पूरा ऊपर तक जाता है वो, फिर वो लैंड होता है, वो पूरा 3-4 घंटे की फुटेज बना के डालते हैं, बड़े फारिग हैं। मतलब वो लोग फारिग हैं जो देखते हैं बैठ के, वेल जिनकी फील्ड है उनके लिए अच्छी बात है, मुझे लग रहा है ना वो किसी के लिए बड़े काम की चीज़ होगी। वो नासा भी लाइव चलाया हुआ है, नासा ने भी वो स्पेस सेंटर अपना, तो जिनकी फील्ड है उनके लिए काम क्या जाहिर है, वो मुझे वो देखना है। तो मैं क्या बोलूँगा कंप्यूटर को? मैं कहूँगा कंप्यूटर शो मी लेटेस्ट SpaceX लॉन्च, उसको समझेगा वो और लगा देगा। सही है, तो इस तरह का कुछ होने वाला है, दैट इज़ गोइंग टू बी अ वेब 3.0 इन माई ओपिनियन। ठीक है, आप लोग इससे डिसएग्री कर सकते हैं, और आप इस ये मैंने डेटा इसलिए दिया ताकि सोचना शुरू करें, थिंक थ्रो करें। आप इमेजिन करें ना मेटावर्स, सब लोगों को पता चल गया ना अभी क्या होता है मेटावर्स। क्या है कि एक वर्चुअल वर्ल्ड है जो फेसबुक बना रहा है मेटावर्स, और भी कंपनीज बना रही हैं, लेकिन फेसबुक मेन इसके अंदर रोल अभी आ गया है, क्योंकि $10 बिलियन उन्होंने इस पर इन्वेस्ट कर दिए हैं तकरीबन 6-8 महीने पहले। उसके अंदर ये इस तरह की जो क्लासरूम्स हैं वो होंगे यहाँ पे, और सब में बड़ी पता नहीं अब इसको मैं बेवकूफ़ी बोलूँ या चालाकी बोलूँ क्या बोलूँ, वो मेटावर्स के अंदर जो स्पेस है ना वो रेंट हो रहा है। वो क्या हो रहा है? रेंट हो रहा है। क्यों रेंट हो रहा है? जैसे एक सबसे बड़ा इसमें प्लेयर है Decentraland, फेसबुक की तरह ही है, वो भी कॉम्पिटिटर है फेसबुक का असल में वो। अब Decentraland ने जो अपना वर्ल्ड बनाया हुआ है ना, छोटा सा है वो, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है। एक जैसे आप समझ लें एक्सपो सेंटर एक बना हुआ है वर्चुअल, उसके अंदर बहुत सारी जगह हैं। अब आप हर जगह जाते हैं वहाँ कुछ भी नहीं है, खाली है अभी वो भी। नाइकी ने अभी Decentraland में अपना स्टोर खोला है। ठीक है, नाइकी जैसे एक्सपो सेंटर में या डॉल्मेन मॉल में आप जाते हैं ना, बाकायदा स्टोर होता है, बाकायदा बंदे खड़े हुए होते हैं, वैसे उन्होंने वर्चुअल स्टोर खोला है अपना, कि जो लोग यहाँ पे मजाक मस्ती करने आ रहे हैं, जो भी करने आ रहे हैं, तो अगर वो चाहें तो साथ साथ शॉपिंग भी कर सकते हैं। उसके अंदर एक बंदा भी खड़ा हुआ है, अवतार एक उनका बंदा, आप उससे जाके क्या बोलेंगे कि मुझे नाइकी रनिंग दिखाओ कहाँ रखे हमें, वो आपको जवाब देगा। ठीक है, एक तो ये हो गया वॉइस, लेकिन इन फ्यूचर वो बंदा नहीं होगा, वो क्या होगा? चैटबॉट होगा। आप उससे पूछेंगे कि यार नाइकी रनिंग कहाँ पर है, तो वो आपको कहेगा आओ मेरे साथ, चला के आपको ले जाएगा वहाँ, या बोल देगा जवाब फला आइल नंबर इतने पे रखा हुआ है, वहाँ चले जाओ, या आपको वो आपका हाथ पकड़ेगा, वो कहेगा अभी टेलीपोर्ट करता हूँ मैं, और उस आइल पास जाके लैंड हो जाए। तो इसके लिए जो आपने नेचुरल लैंग्वेज में जो बात बोली है वो उस वो जो अवतार है वो असल में चैटबॉट होगा, वो फिजिकल बंदा नहीं होगा अल्टीमेटली। वो आपके नेचुरल लैंग्वेज से जो आप बोलेंगे उसके इंटेंशन को समझेगा, और इंटेंशन को समझ के एक रिजल्ट कॉन्क्लूड करेगा कि ये क्या कह रहा है, और उसके अगेंस्ट एक्शन लेगा। ये चीज़ें हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, इंटेंट्स
एंटिटीज, ट्रेनिंग फ्रेजेस, ये चीज़ें इंशाल्लाह हम जब डायलॉग फ्लो शुरू करेंगे तो ये चीज़ें पढ़ेंगे, तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही होंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि मेटावर्स में जो मेन कम्युनिकेशन का जो मीडियम होगा वो वॉइस होगा, अदरवाइज तो कितनी बेवकूफ़ी की बात है कि मैं पूरे वर्ल्ड में आ गया लेकिन यहाँ भी मुझे बटन दबाने पड़ रहे हैं यार। मैं वर्चुअल वर्ल्ड में आ गया, इतना बड़ा पूरा मेरे सराउंडिंग में हर तरफ टेक्नोलॉजी है, यहाँ भी मुझे बटन दबाने पड़ रहे हैं, तो क्या फ़ायदा है ऐसी दुनिया का। वो तो है सही, लेकिन उसमें भी ये मसला है, वो उसमें भी ये इम्प्लीमेंट होगा चैट बॉट। ये बाय द वे एक क्लाइंट को मैं बना के दे चुका हूँ ये सिस्टम, उनकी हार्डवेयर की दुकान थी, जो पाना रेंच वेंच होता है ना उसकी दुकान, तो उनके प्रोडक्ट की एक लिस्ट थी, उनके पास 1500 प्रोडक्ट्स थे, काफ़ी बड़ा सा होगा, जैसे इतना बड़ा ये सैलानी का फ्लोर है इतना बड़ा होगा, 1500 डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। अब किसी बंदे को 20 नंबर का वाइप आना चाहिए, अब वो उसको कैसे पता चलेगा इतने बड़े स्टोर में। तो उन्होंने ये किया हुआ था कि हर आइल पे एक बंदा इस कोने पे, एक बंदा उस कोने पे खड़ा किया हुआ था, लोग जाके उससे पूछते थे, वो बताता था यार यहाँ है यहाँ है। उसने कहा मुझे चाहिए चैट बॉट इसके लिए, और मैं टैबलेट लगा दूँ हर आइल पे एक, या मैं मोबाइल ऐप का ना QR कोड लगा दूँ कि जो भी इस स्टोर में आए वो मोबाइल ऐप डाउनलोड कर ले, अगर वो टैबलेट के पास नहीं जाना चाहता तो, अदरवाइज़ वो टैबलेट के पास जाए या फ़ोन पे अपने टैप करे ऐप जो उसने डाउनलोड की है, टैप करके वो बोले कि भाई मुझे 20 नंबर का वाइप आना चाहिए, वो उसको आइल नंबर बताए कि फ़लाँ आइल पे चले जाए। तो ये तो सिस्टम में बना गया, बहुत सिंपल सा चैटबॉट था, एक 1500 प्रोडक्ट की लिस्ट थी और हर प्रोडक्ट का एक एड्रेस था, जिससे भी मैच होता था उसका वो एड्रेस बता देता, बहुत सिंपल था। अभी लग रहा होगा आपको कि यार क्या मतलब, तो लेकिन बहुत सिंपल था कि मैं जो 1500 एंटिटीज़ है उसमें से मैच करता था नेचुरल लैंग्वेज में, ठीक है। या अगर उसने सिर्फ ये बोला है कि मुझे वाइप आना चाहिए तो मैं सवाल करता था कितने नंबर का चाहिए, या उसने ये बोला है कि जैक चाहिए तो कितने नंबर का चाहिए, उसमें ये था कि हर चीज़ का एक नाम था एक साइज़ था, ठीक है, और साइज़ था नंबर में, और नंबर के अलावा स्मॉल मीडियम भी था, दो तरह के साइज़ होते थे उसमें। तो अगर उसने सिर्फ आइटम का नाम बोला तो मैं उसको बोलता था साइज़ बताओ, साइज़ जैसे ही बताता तो उस 1500 में से मैच हो जाता था। अगर उसने कुछ नहीं बोला, कुछ हेलो हाय कर रहा है, तो दो चार हेलो हाय का जवाब देने के बाद ना मैं उसको सजेशन देता था नीचे रैंडमली 1500 में से उठा के ना कोई प्रोडक्ट, कि यार ये देखो ये प्रोडक्ट आई हुई है हमारे पास, कोई चाहिए उसमें से, वो किसी एक पे अगर क्लिक करता उसको फिर एड्रेस बता देता कि वहाँ वाइल पे चले जाओ फलाने जगह पे, सही है। तो इस तरह का चैटबॉट मैं बना चुका हूँ, ये अमेज़ॉन को भी इसकी ज़रूरत है, अमेज़ॉन का तो अपना एलेक्सा स्किल किट है, वो हमसे तो नहीं बनवाएगा, लेकिन ये वहाँ पर भी आने वाला है, ATM पे ही आने वाला है चैटबॉट। ATM पे बूढ़े लोग जाते हैं, वो जाके विड्रॉ करने के लिए खड़े हुए होते हैं, कार्ड उनको समझ नहीं आ रहा टाइप, अगर ज़ोर से वहाँ पे बड़ा स्पीकर लगा हुआ और वो आपसे बोले ज़ोर से कि यार अपना कार्ड आप ATM में डालें, कार्ड अंदर ATM में चला गया, अब वो कहे कि आप अपना पिन बोलें कि क्या है आपका पिन, लॉक है ना डोर, तो आप अंदर अकेले ही और तो कोई नहीं है, आप पिन अपना बोलते हैं उसको और आपकी वॉइस ऑथेंटिकेशन भी करें, वो अमेज़ॉन की सर्विस मौजूद है उसके लिए वॉइस ऑथेंटिकेशन के लिए, कि आप दो चार सैंपल देते हैं वॉइस के, वो समझ जाता है कि ये आप बोल रहे हैं कोई और बोल रहा है, ठीक है, तो मोस्ट प्रॉब्ली वो भी इसमें लगेगा। फिर आपने पिन बोला, फिर आपसे पूछा भाई कितने पैसे निकालने हैं या बैलेंस चेक करना है, तो आपने कहा मुझे मेरा बैलेंस चेक करना है, वो सामने से बोल के बताया कि आपका इतना बैलेंस है, फिर आपसे पूछे कि अब बताओ क्या निकालना है, मैंने कहा मुझे 500 रुपये निकाल दो या 5000 निकाल दो, वो बोले ठीक है आपके 5000 निकाले जा रहे हैं, उसके बाद आपके भाई इतने बचेंगे पीछे, या आपके अकाउंट में इतने पैसे नहीं है, या कोई भी जो भी बात है, सारी बोल के बात हो रही हो, सही है ना, होना ये होना है एक ना एक टाइम पर, इसके बगैर ऑप्शन नहीं है कोई और, ठीक है। क्योंकि जो अभी वाला जो UI है ना, यूज़र इंटरफेस, ये वाला यूज़र इंटरफेस जो है वो बहुत लिमिटेड है, लिमिटेड इस सेंस में कि टाइप करने में बहुत टाइम लगता है, देखने में टाइप करने में, माउस से ऐसे कर्सर को उधर ले, अब हम तो कंप्यूटर के बंदे हैं ना, हमसे माउस चल जाता है, आप अगर लैपटॉप किसी ना खाला नानी के आगे करें, उनसे कहें ये कर्सर यहाँ है ना, आप इसको ऐसे करेंगे ना तो ये कर्सर मूव करेगा और आपने इस डब्बे पे लाके क्लिक करना है, अगर उनको एक घंटे से पहले समझ आ जाए तो बताइएगा फिर। ये मैं एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ, मेरी अम्मी जो है वो डॉक्टर है, सही है, मुझे आधी ज़िंदगी लग गई उनको मोबाइल फ़ोन सिखाने, मेरी अम्मी की उम्र शायद 55 से थोड़ा कुछ ज़्यादा है, ठीक है, तो मुझे आधी ज़िंदगी, जब वो 50 की थी ना, जब से मैं उनको मोबाइल फ़ोन सिखा रहा हूँ,
तो आ तो गया है उनको, व्हाट्सएप वगैरह ये चीज़ें चल जाती हैं, फेसबुक भी थोड़ा चल जाता है उनसे अब, लेकिन अभी भी अगर कोई नया चीज़ करनी पड़े ना उसमें, तो वो किसी ना किसी के पास फिर आना पड़ता है। अभी रिसेंटली कोई मोबाइल ऐप वगैरह उन्होंने कर दिया कि यार अब जितना भी डेटा एंटर होगा वो इस मोबाइल ऐप में होगा। आपको पता है क्लिनिक्स में सब जगह हॉस्पिटल्स में, तो अब वो मोबाइल ऐप है, तो वो मोबाइल ऐप अब लॉगिन कैसे होगी? उन्होंने यूज़र नेम पासवर्ड तो दे दिया, वो लॉगिन कैसे होगी? हालांकि कितनी सिंपल बात है कि यूज़र नेम डालो, वो हमारे लिए सिंपल है कि हम टेक्नोलॉजी के बंदे हैं, वो सबके लिए थोड़ी सिंपल है वो। अच्छा फिर मैंने क्या किया, गूगल असिस्टेंट सिखा दिया मोबाइल पर, यूट्यूब के ऊपर ऊपर माइक छोटा सा आता है बना हुआ, मैंने कहा कोई भी वीडियो देखनी हो क्लिक करें और ड्रामे का नाम बोले, ड्रामा सामने। ओए ओए ओए, ये तो जादू हो गया। अब तो कोई मसला ही नहीं रहा जिंदगी में, सारे जिंदगी के मसले हल हो गए। या कोई भी बात पूछनी है या कोई भी नंबर प्लस माइनस करना है तो होम का बटन थोड़ी देर दबा के रखें, उसको बोले वो प्लस माइनस करके बता देगा, मसले आधे मसले दुनिया के हल हो गए इससे, मेरी अम्मी के, ठीक है? वरना उनको हर बात में आना पड़ता था कि छोटी छोटी चीज़ कोई भी, अब मिसाल के तौर पे कोई नई डिश पकानी है, मिसाल के तौर पे एक दफ़ा हमने बोला यार घर में हम केक पकाएंगे, अब केक की रेसिपी ढूंढो निकाल के दो, ये लो, मसला है ना ये, अब मसला नहीं रहा। अब उन्होंने हाउ टू कुक केक, हाउ टू कुक बिरयानी, जो भी आपको भी अगर बनाना हो कुछ, आधी ज़िंदगी के मसले मेरे हल हो गए इससे, ठीक है? तो वॉइस कंप्यूटिंग जो है वो अल्टीमेट, हमारा जो ह्यूमन टू ह्यूमन कम्युनिकेशन का मीडियम है वो वॉइस है, तो कंप्यूटर से हम क्यों ये टच टाइप कर रहे हैं? अगर ज़रा और से सोचे तो बड़ी बेवकूफ़ी की बात है कि यार ये क्या लगा दिया इसके ऊपर, ये डब्बा सा ऐसे हिलता है, ये क्या चीज़ है? आपको अगर पता नहीं, मुझे तो अच्छी तरह याद है कि जब बचपन में मैंने सुना ना पहली दफ़ा, छोटा सा था मैं उस टाइम, 1-2 में होगा शायद, कि ये माउस है, तो मुझे शायद 1-2 महीने तक ये समझ ही नहीं आई बात कि ये माउस क्यों है। मैं हमारे स्कूल में जब मैं शायद पता नहीं KG 1 या KG 2 में था, तो हमारे पास वो डॉस वाले कंप्यूटर होते थे स्कूल में जहाँ मैं था, तो महीने में शायद एक दफ़ा ना प्रैक्टिकल होता था कंप्यूटर का। अच्छा वहाँ जाके करना क्या होता था कि डॉस के ऊपर डेट लिखते थे और डेट आ जाती थी, फिर उस डेट को चेंज करना होता था, फिर टाइम आता था, फिर टाइम को चेंज, ये किया प्रैक्टिकल आप लोगों ने? हम, मुझसे करवाया गया था ये KG 1 KG 2 में। तो वहाँ पे जब मैंने देखा ना कि यार ये चलो ठीक है यहाँ तो हम लिखते हैं, ये क्या है? तो मैंने कहा ये माउस है, इसको नहीं छुओ, ये माउस है। तो मुझे लगा शायद कि कंप्यूटर के साथ ना कुछ, मतलब माउस मुझे तो चूहा पता था ना माउस, यार मुझे थोड़ी पता था कि माउस हिलाने से ये अंदर हिलता है तो उससे कुछ काम होता है। तो मेरे क्यूरियोसिटी थी यार ये माउस क्यों है इसको, अच्छा टच करने भी मना कर दिया, मैंने कहा पता नहीं काटता वाटता होगा। तो अगर आप अपने दिमाग को खाली करके सोचे ना, तो माउस क्या बेवकूफ़ी की बात है, माउस इंतहाई कोई बेवकूफ़ी की बात है। अभी भी इस जिस बंदे को कंप्यूटर का नहीं पता, आप उसको बोलेंगे ये माउस है और इससे ऐसे ऐसे करोगे तो अंदर होगा, वो कहेगा यार ये क्या बात है। टच स्क्रीन फिर भी जस्टिफाइड है कि उसमें तो ये होता है ना, टच करो, अच्छा बटन है तो टच से बटन प्रेस होता है, फिर भी जस्टिफाइड है। माउस तो बड़ी बेवकूफ़ी की बात है, लेकिन अब हम उससे यूज टू हो गए तो हमें फील नहीं होता। लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है, मुझे, मैं सोचता रहता था कि यार ये माउस क्यों उसका नाम रखा है और ये होता क्या है इससे, और कंप्यूटर के साथ क्यों लगा हुआ है? काम तो सारा कीबोर्ड से, क्योंकि डॉस में जब हमसे जो करवाया था डेट टाइम, उसमें माउस इस्तेमाल नहीं हो रहा था, उसमें डॉस पहले से खुला हुआ होता था और बच्चे लाइन में खड़े हुए होते थे कि 5-5 करके जाते थे, कंप्यूटर क्योंकि 5 थे, टीचर एक गेट पर खड़ा हुआ एक अंदर, क्योंकि बड़े एक्सपेंसिव हुआ करते होंगे उस ज़माने में, तो कहते थे भाई आप यहाँ बैठ जाएँ, आप यहाँ बैठ जाएँ, पाँचों को लाइन से बिठाया, उन्होंने कहा इस पर लिखें डेट सबसे पहले, फिर एंटर देखें, एंटर का बटन ढूंढें कौन सा है, वो प्रेस करें, तो वो पहले से खुला हुआ होता था और उसको क्लोज भी करना अलाउ नहीं होता था। आपने कर लिया प्रैक्टिकल, उठो वापस। खैर अच्छा, तो हमने क्या देखा कि जावास्क्रिप्ट जो होती है ना वो दो तरह की होती है। नंबर एक होता है AMD, ठीक है? अब इसकी एब्रीवेशन क्या है वो देख लेना, वो कोई अजीब सा कोई नाम है, AMD नाम है बहरहाल इसका, कोई मॉड्यूल करके ही है। वो चलती है सिर्फ और सिर्फ ब्राउज़र पे, ब्राउज़र के अलावा आप उसको कहीं नहीं चला सकते। एक दूसरी जावास्क्रिप्ट है जो है कॉमन JS। अब इन दोनों की कहानी मैं सुना रहा था कि क्या है। तो शुरू शुरू में जब ये वेबसाइट आई, उन्होंने बोला यार ये कुछ जगमग तारा इसमें नहीं हो रहा, ये कुछ करना पड़ेगा। तो इसके लिए हर ब्राउज़र ने अपनी अपनी स्क्रिप्ट लिखी, ठीक है? उस वक्त इसका नाम भी शायद जावास्क्रिप्ट नहीं था, मे भी कुछ और नाम हो, स्क्रिप्ट लिखी बहरहाल कुछ कि अच्छा यार आप ये लिखेंगे ना तो इससे ये हो जाएगा।
तो वो स्क्रिप्ट हो गई, हर ब्राउज़र की अपनी अपनी थी। अभी तो एक ही जावा स्क्रिप्ट सब ब्राउज़र में चल जाती है ना, वी आर लिविंग गोल्डन एज, इसलिए सब एक पे चल जाती है। उस टाइम अलग अलग होता था सबका। फिर एक चीज़ आ गई फ्लैश के नाम से, तो उससे भी काम करने लगे ये लोग। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने बोला कि यार सब लोग, एक्मा के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन आई, उसने कहा कि यार एक काम करो, सब लोगों ने अपनी अपनी स्क्रिप्ट लिखी हुई, एक जगह बैठो, एक जावा स्क्रिप्ट बनाओ ना, ये क्या अलग अलग लिखी हुई है सबने अपनी। अब डेवलपर को अगर मोज़िला के लिए वेबसाइट बनानी है, मोज़िला फायरफॉक्स, वो अलग कोड लिखेगा, अगर गूगल क्रोम के लिए बनानी तो अलग कोड लिखेगा। ये होता था उस वक्त, जावा स्क्रिप्ट बिल्कुल अलग अलग होती थी हर ब्राउज़र की। तो उन्होंने सबको एक जगह इकट्ठा किया, वो सब एक पेज पे आए और उसका नाम रखा गया एक्मा स्क्रिप्ट 5। ये गालबन 2004-5 की बात है। अच्छा, तो उसके बाद जावा स्क्रिप्ट को एक नई तेज़ी मिल गई। लोगों का ख्याल था कि जावा स्क्रिप्ट ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उसके बाद जावा स्क्रिप्ट क्या हुआ, इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई कि उसको जर्नल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का दर्जा हासिल हो गया। ठीक है, चीज़ें ऐड हुई, ज़ाहिर है हर साल बैठते थे वो, हर साल कहते थे भाई लाओ किसके पास क्या है, रखो टेबल पे, और उसको एक्मा स्क्रिप्ट के अंदर शामिल कर दिया जाता था। ठीक है, तो इस तरह बढ़ते बढ़ते उसमें जितनी पॉसिबल चीज़ें थी सब आ गई। अब यहाँ अभी हम 2005, 2006, 2007, 2008 तक ये थी जावा स्क्रिप्ट। 2009 में क्या हुआ कि दो चार लड़के थे कोई हार्वर्ड पता नहीं किस यूनिवर्सिटी के, उन्होंने कहा कि यार जावा स्क्रिप्ट अब इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि ये जर्नल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का दर्जा इसको हासिल है, इसको चलने के लिए ब्राउज़र की ज़रूरत क्यों है भाई। ऐसा बाकी सी लैंग्वेज में तो नहीं होता कि सी लैंग्वेज का कोई कोड लिखा तो ब्राउज़र पर चले गई, ये क्या बेवकूफ़ी की बात है। या सी शार्प में तो ऐसा नहीं होता कि सी शार्प में कोई आपने विंडोज़ की ऐप बनाई है तो वो ब्राउज़र पर चलेगी, भाई विंडोज़ की ऐप विंडोज़ है तो चले विंडोज़ पर डायरेक्ट, ख़त्म बात। ठीक है, या टर्मिनल पर चले, जैसे सी लैंग्वेज है वो टर्मिनल पर चल जाता है, टर्मिनल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यार ये तो करने चाहिए ये चीज़। अच्छा, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि यार हम इसको ना, अच्छा उस वक्त तक गूगल क्रोम वाले V8 के नाम से एक इंजन लिख चुके थे, रीराइट कर चुके थे, क्योंकि शुरू में जो इंजन लिखे गए थे वो बिल्कुल बेकार थे। ज़ाहिर है एक्मा स्क्रिप्ट 5 में इतनी सारी नई चीज़ें आ गई, तो इंजन को फ्रॉम स्क्रैच उन्होंने लिखा था V8 के नाम से। ठीक है, तो उन्होंने V8 का इंजन जो ओपन सोर्स था, गूगल क्रोम ने ओपन सोर्स रखा था, वो उठाया, उसमें कुछ चेंजेस की और उसको टर्मिनल पे चलने लायक बना दिया। अब इस जावास्क्रिप्ट को चलने के लिए ब्राउज़र की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब ज़ाहिर है टर्मिनल पे जब चलने के लिए बनाया तो उसमें से कुछ चीज़ें हटानी पड़ी, जैसे अलर्ट, अलर्ट को तो स्क्रीन चाहिए ना चलने के लिए, टर्मिनल पे स्क्रीन तो नहीं होती, तो अलर्ट हटा दिया, प्रॉम्प्ट हटा दिया, स्क्रीन पे चलने वाली जो जो चीज़ें थी सब हटा दी। ठीक है, कुछ चीज़ें कम हो गई। अच्छा, अब मसला क्या है, अब टर्मिनल पे चलना शुरू हो गई है तो इसका मतलब है जो जो काम सी लैंग्वेज पे हो सकते हैं वो सारे इस पे हो सकते हैं, यानी कि डेटाबेस बन सकते हैं, यानी कि सर्वर बन सकते हैं, यानी कि फाइल ऑपरेशंस हो सकते हैं, कि नई फाइल क्रिएट करना, पुरानी फाइल जो रखी हुई उसको मॉडिफाई करना, ये फाइल ऑपरेशन, ये सब हो सकता है। लेकिन मसला ये कि जावास्क्रिप्ट में क्योंकि ये काम कभी पहले हुए नहीं थे, तो एक्मा की ऑर्गेनाइजेशन में कभी ये चीज़ आई नहीं थी, और फाइल ऑपरेशन जावास्क्रिप्ट में मौजूद ही नहीं थी सिरे से। सर्वर बनाने के लिए पोर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ती है, वो था ही नहीं इसमें। इसी तरह डेटाबेस बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो था ही नहीं। तो इन्होंने बोला यार अब ये हमने जो जावास्क्रिप्ट में से कुछ चीज़ें रिमूव की है ना, कुछ ऐड भी करनी पड़ेगी, तो कुछ ऐड भी किया। ये फाइल की सारी चीज़ें ऐड की, पोर्ट वगैरह, परमिशन के इशूज़ सारे सॉल्व किए, तो वो इतनी ज़्यादा चेंज हो गई ना, उन्होंने बोला भाई ये जावास्क्रिप्ट अब इसका नाम रखो कुछ अलग, हो गई ना ब्रांच। एक तो पुरानी जावास्क्रिप्ट थी, उसमें से कुछ हटा भी दिया, कुछ डाल भी दिया, तो अब इसका तो नाम चेंज करना पड़ेगा ना, तो उसका नाम फिर रखा गया कॉमन JS। ठीक है, अच्छा रिमूव इतनी चीज़ें नहीं हुई हैं, एक या दो चीज़ रिमूव हुई है, प्रॉम्प्ट और अलर्ट जो स्क्रीन पे आने वाली एक दो होती हैं, ऐड बहुत कुछ हुआ है। तो हम अपना फ़्लो क्या रखेंगे, हम अपना फ़्लो ये रखेंगे, हम AMD से शुरू करेंगे, ब्राउज़र से जो जो चीज़ें AMD में कवर हो गई वो हम यहाँ कवर कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये फ्रंट, अच्छा AMD हम ब्राउज़र के साथ क्यों कर रहे हैं, ताकि छोटे छोटे असाइनमेंट्स भी बनाते रहे ना, होस्ट भी कर सकें, जैसे कैलकुलेटर हम बनाएंगे अभी इंशाल्लाह, कि भाई दो डब्बे आ रहे हैं, दो नंबर लिखो, बटन दबाओ, प्लस हो के आ जाए। ठीक है, तो हम जब फंडामेंटल्स पढ़ेंगे तो हम AMD कवर करेंगे ब्राउज़र वाली, जब ये ख़त्म हो जाएगा तो सर्वर शुरू करेंगे, फिर हम सर्वर सीखेंगे साथ साथ और कॉमन JS भी सीखेंगे। अच्छा, कॉमन JS का बाय द वे बाद में ना एक नया वर्जन आ गया, अगला ज़ाहिर है हर चीज़ का वर्जन चेंज होता है, और उसका जो नया वाला वर्जन है दैट इज़ कॉल्ड Module JS। सही है, तो हम सबसे नया वाला पढ़ेंगे। ठीक है, हम सबसे, अच्छा ब्राउज़र में जो था उसका भी नया वर्जन आया, वो क्या है, ES6। तो हम ब्राउज़र पे जो पढ़ेंगे वो नया वाला ES6, और सर्वर पे जो पढ़ेंगे वो भी नया वाला Module JS।
देखने में कोड बिल्कुल एक होगा, देखने में अलग नहीं है, लेकिन अंदर की कहानी चेंज है, ठीक है, अंदर की कहानी चेंज है। अगर ब्राउज़र वाली जावास्क्रिप्ट आप एज इट इज़ चलाएंगे ना नॉट जेएस पे, तो चल जाएगी वो असूलन, लेकिन उसमें स्क्रीन पे रेंडर होने वाली कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर वो होगी तो वो एरर दे देगा, कहेगा यार ये तो मैं कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले शुरू करेंगे फ्रंट एंड से, फ्रंट एंड यानी ब्राउज़र में चलने वाली जावास्क्रिप्ट। अच्छा, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, स्क्रिप्ट का टैग लिखा और स्क्रिप्ट के टैग के अंदर अलर्ट लिख दिया मैंने, टाइम हो गया, बस ये हम अलर्ट लिख के चलते हैं। ये हेलो वर्ल्ड लिखा मैंने, सेव किया, अब जब ये फाइल लोड होगी ना तो ये चल जाएगा, चला के देख लेते हैं। कॉपी पाथ ये आ गया, चल गया। अभी हमने पहला कीवर्ड सीख लिया। जावास्क्रिप्ट पढ़ने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हम एक बुक पढ़ेंगे स्मार्टर वे, सही है, थोड़ा सा हम बुक भी फॉलो करेंगे और मैं आपको बता दूंगा कि हम क्या क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे मैं लिख के लगा दूंगा कि यार ये चीज़ें हमने कवर करनी है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, तो अभी जल्दी से ये वाला कोड ना सब अपने अपने हाथ से लिखें और इसको चलाएं, सही है, बस चला के फिर छुट्टी।